किसानों के समर्थन में तमाम विपक्षी दल अब खुलकर सामने आ गए हैं। राजनीतिक दलों ने 8 दिसंबर को किसान संगठनों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन और पीएजीडी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला सहित प्रमुख विपक्षी नेताओं ने रविवार को एक संयुक्त बयान कर बंद को समर्थन दिया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों की जायज मांगों को पूरा करने के लिए केंद्र पर दबाव भी डाला है। मालूम हो कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की कई सीमाओं पर हजारों किसान डटे हैं। आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि मंगलवार को पूरी ताकत के साथ देशव्यापी बंद कराया जाएगा। बयान में कहा गया, हम राजनीतिक दलों के नेता देश भर से विभिन्न किसान संगठनों द्वारा जारी संघर्ष में उनके साथ हैं और 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान पर उनका समर्थन करते हुए इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हैं। साथ ही कई विपक्षी नेताओं ने संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर भी किए हैं। हमारे किसानों और खेती को खत्म कर देंगे ये कानून। हस्ताक्षर करने वालों में आरजेडी के तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, सीपीआईएम महासचिव डी राजा, सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, एआईएफबी के महासचिव देवव्रत विश्वास और आरएसपी के महासचिव मनोज भट्टाचार्य शामिल हैं। बयान में आरोप लगाया गया है कि संसद में बिना किसी चर्चा और बिना वोटिंग के लोकतांत्रिक विरोधी तरीके से इन कानूनों को पास किया गया था। ये कानून भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है और खेती, किसानों और एमएसपी व्यवस्था को खत्म कर देंगे। विपक्षी नेताओं ने कहा, केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानदंडों का पालन करना चाहिए और हमारे किसान अन्नदाता की जायज मांगों को पूरा करना चाहिए। सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच शनिवार को 5वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही, क्योंकि किसान यूनियन के नेता नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। वहीं केंद्र ने गतिरोध को हल करने के लिए 9 दिसंबर को एक और बैठक बुलाने के लिए कहा है। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।